नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज, आप देख रहे हैं सक्सेना टेक्निकल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदू कॉलेज मुरादाबाद यूजी न्यू एडमिशन फॉर्म 2023-24 सेशन के बारे में। अगर दोस्तों आप लोग भी हिंदू कॉलेज मुरादाबाद से यूजी में एक नया एडमिशन लेना चाहते हैं तो किस प्रकार से आप अपने एडमिशन फॉर्म को अप्लाई करेंगे, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या दस्तावेज की आवश्यकता पड़ेगी, किन बातों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है और किस प्रकार से आप लोग एक नया एडमिशन 23-24 सेशन में ले पाएंगे, इसके बारे में आज की इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी लेकर आए। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू कॉलेज मुरादाबाद में एक नया एडमिशन फॉर्म को अप्लाई करने से पहले आपको इसकी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना काफी ज्यादा जरूरी है। जैसा कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन लिख रखी है, तो सबसे पहले नंबर पे हम समझेंगे इम्पोर्टेंट डेट के बारे में। तो ये फॉर्म स्टार्ट हो गए थे 20/6/2023 से। इसकी जो लास्ट डेट है वो दोस्तों यहाँ पर 6 जुलाई 2023 रखी गई है। साथ में फॉर्म को फिल करने के बाद आप लोग इसकी फी को सबमिट करेंगे। फी सबमिट की जो लास्ट डेट है वो भी यहाँ पर 6/7/2023 रखी गई है। बात करेंगे इसकी मेरिट लिस्ट के बारे में, तो मेरिट लिस्ट आपको बता दें इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कब आए। जब भी आएगी आपको इस चैनल के माध्यम से सूचना मिल जाएगी। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा। बात करेंगे एप्लीकेशन फीस के बारे में। अगर आप लोग जनरल ओबीसी एससी एसटी किसी भी जाति से हैं तो आपको यहाँ पर ₹150 का फी पेमेंट करना पड़ेगा। ये फी पेमेंट आप लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। बात करेंगे कि इस फॉर्म को फिल करते वक्त आपके पास क्या दस्तावेज होने चाहिए। तो सबसे पहले नंबर पे आपके पास MGPRU रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म होना अनिवार्य है। ये फॉर्म अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग आवेदन नहीं कर सकते, इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो अभी जाइएगा आप लोग MGPRU रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अपना एक नया रजिस्ट्रेशन कीजिएगा और वो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद वहां पर ₹150 का भुगतान करने के बाद ही आप लोग इस कॉलेज के लिए आवेदन कर सकते हैं। MGPRU रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली के पोर्टल पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करते हैं इस पे हमने ऑलरेडी कंप्लीट वीडियो बना रखी है, लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा या फिर हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग वहां पे क्लिक करके वो वीडियो को अवश्य देखिएगा। दूसरे नंबर पे आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे इंटरमीडिएट की मार्कशीट होनी चाहिए। चौथे नंबर पे आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। पांचवें नंबर पे अगर आप लोग भी ओबीसी एससी एसटी से हैं तो दोस्तों आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। यदि आप लोग जनरल से हैं और आपकी 8 लाख रुपए से कम है इनकम तो दोस्तों आप लोग ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अवश्य बनवाइएगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में आपको 10% की छूट मिलने वाली है। तो इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना। अगर आप लोग 6 तारीख तक अपना ईडब्ल्यूएस बनवा सकते हैं तो ईडब्ल्यूएस बनवाने के बाद ही फॉर्म को आवेदन कीजिएगा ताकि आपको 10% की छूट आसानी से मिल सके। बात करेंगे कि साथ में दोस्तों आपके फोटो, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो आप लोग भी हिंदू कॉलेज मुरादाबाद में आसानी से अपने नए एडमिशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग इस फॉर्म को अपने घर बैठे आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अपने गूगल पे साधारण से टाइप करना होगा हिंदू कॉलेज मुरादाबाद। जैसे आप लोग हिंदू कॉलेज मुरादाबाद टाइप करेंगे पहले नंबर पे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी hindukollege.education.in। इस वेबसाइट पे आने के बाद इनकी मेन्यू बार में यहाँ पर एडमिशन से रिलेटिव इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल रही है। तो हम डायरेक्टली चलते हैं रजिस्ट्रेशन एडमिशन पे। तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है और क्लिक करने के बाद इनके महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप लोग चाहें तो इसे एक बार रीड कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है क्लिक फॉर रजिस्ट्रेशन, इस पे आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों हम आ चुके हैं हिंदू कॉलेज मुरादाबाद की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट के माध्यम से हम अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को अप्लाई करेंगे और एडमिशन फॉर्म को भी अप्लाई करेंगे। तो इस वेबसाइट का लिंक हम आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग वहां पे क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ पर आ सकते हैं। इसके बाद इनकी मेन्यू बार में पहले नंबर पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है रजिस्ट्रेशन का, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक
कर देना है। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म कुछ इस तरह का ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले नंबर पे आपको यहाँ पर बैचुलर यानी यूजी में एक नया एडमिशन लेना है तो आपको बैचुलर सिलेक्ट करना है और बैचुलर में कौन कौन से कोर्स हैं इस कॉलेज में और कौन कौन से एडमिशन स्टार्ट हुए उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जैसे कि बीए बीबीए और साथ में बीकॉम ऑनर्स, ये सारे कोर्सेस आपको देखने को मिले। इनमें से आप जो भी कोर्स करना चाहते हैं वो आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि सारे कोर्स का जो फॉर्म फिल करने का प्रोसेस है वो सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप अपना फुल नेम लिखेंगे जैसा कि आपके डॉक्यूमेंट पे दिया हो, जो भी आपका नाम है उसका फर्स्ट नेम मिडल नेम लास्ट नेम लिखेंगे, फादर नेम लिखेंगे मदर नेम लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, ईमेल आईडी लिखेंगे, आधार कार्ड नंबर लिखेंगे। ये सारी डिटेल को फिलअप करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल रहा है सबमिट का, इस पे आप लोग क्लिक करेंगे। सबमिट करने के बाद हमारा जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है ये सक्सेसफुल हो चुका है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग क्लिक करके इसका प्रिंट आउट अवश्य रखिएगा। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड देखने को मिलेगा जो कि आपको कंपलसरी अपने पास सेव जरूर रखना है। और यदि आप लोग अपने घर पे कर रहे हैं इस फॉर्म के लिए तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट या फिर आप लोग अपने कॉपी में इस रजिस्ट्रेशन को अवश्य सेव कीजिएगा, अन्यथा आप लोग इस रजिस्ट्रेशन का पीडीएफ फॉर्मेट अवश्य बना लीजिएगा। तो हमारा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर लिखकर आ रहा है प्लीज लॉग इन यूजर और यहाँ पर हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को फिलअप करना है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर हमें दूसरा ऑप्शन देखने को मिल रहा है लॉगिन का, तो हमें लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है जहाँ पर हमें अपना कोर्स को सिलेक्ट करना है कि हमने किस कोर्स के लिए आवेदन किया था। यहाँ पर हम अपना वही रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करेंगे, पासवर्ड फिलअप करेंगे, सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद हमारा जो रजिस्ट्रेशन है ये यहाँ पर सक्सेसफुल लॉगिन हो चुका है। लॉगिन करने के बाद हमारा जो फॉर्म है वो यहाँ पर सक्सेसफुल लॉगिन हो चुका है और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है फिल रजिस्ट्रेशन, दूसरा ऑप्शन देखने को मिल रहा है लॉग आउट का, तो हमें पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और फिल रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिल रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमारा यहाँ पर जो फॉर्म है ओपन हो चुका है, ऊपर हमारा नाम दिया है और साथ में हमने किस कोर्स के लिए आवेदन किया था उसकी इन्फॉर्मेशन ऊपर देखने को मिल रही है, रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हमें अपना यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना है जो कि M23 करके है, वो वाला हमें यहाँ पर नंबर को फिलअप करना है। और इसके बाद हमें यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम फिलअप करना है और हमें यहाँ पर अपना हिंदी में अपना फुल नेम लिखना है। यहाँ पे हम अपनी डेटा हुआ जैसा कि हमारी हाई स्कूल की मार्कशीट पे दी गई हो बिल्कुल सेम हमें यहाँ पे टाइप करनी है। तो सबसे पहले नंबर पे हमें अपना ईयर यहाँ पे सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर मंथ सिलेक्ट करना है और फिर हम अपनी डेट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, हमारी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। इसके बाद हम अपना जेंडर सिलेक्ट करेंगे, कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अगर आप लोग जनरल के अलावा किसी अदर कैटेगरी से हैं तो आप लोग यहां पर अपनी कास्ट को फिलअप करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहां पर आप अपना मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे, यहां पर आप अपना स्टेट फिल करेंगे, इसके बाद ईमेल आईडी, आधार कार्ड नंबर, यहां पर आपको इंडियन देखने को मिल जाएगा, यहां पर इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर फादर या फिर मदर का दे सकते हैं, यहां पर आप अपना धर्म सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद यहां पर आप अपना ब्लड ग्रुप अगर आपके लिए मालूम है तो अन्यथा एनए कर सकते हैं, फैमिली की एनुअल इनकम क्या है जो कि आपको आय प्रमाण पत्र पे देखने को मिल जाएगी वो आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा कैटेगरी जैसा कि यदि आप लोग विकलांग, फ्रीडम फाइटर, EWS या फिर माइनॉरिटी कैटेगरी या फिर एक्स सर्विसमैन इनमें से कुछ भी है तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना वेटेज लगा सकते हैं, NCC, NSS, स्काउट जो भी आपके पास है वो आप लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर आपके पास इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी फैमिली इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है, जहाँ पर आपके फादर नेम देखने को मिल रहा है, यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर, पैन कार्ड नंबर यदि आपके पास है तो लगा सकते हैं, अन्यथा इसे छोड़ सकते हैं। आपके फादर क्या करते हैं वो आपको यहाँ पर दिखाना है। इसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है मदर की डिटेल, तो यहाँ पर मदर का फोन नंबर, पैन कार्ड नंबर यदि है तो लगा सकते हैं, अन्यथा इसे छोड़ सकते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि माताजी क्या करते हैं, हाउसवाइफ हैं, तो आप लोग हाउसवाइफ लगा सकते हैं।
अन्यथा जो भी आप करते हैं आपकी माता जी वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको अपना एड्रेस इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है, जहाँ पे अपना फुल एड्रेस, अपने स्टेट का नाम कि आप कहाँ के हैं, यहाँ पे आप अपना एरिया का पिन कोड, यहाँ पर आप अपनी डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगी वो आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका प्रेजेंट कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, दोनों एड्रेस सेम हो जाएंगे। इसके बाद थोड़ा और नीचे आएंगे जहां पर हमें एकेडमी इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है, तो यहाँ पर अपनी हाई स्कूल की डिटेल को फिल करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे हाई स्कूल में कौन कौन से सब्जेक्ट थे, सारे सब्जेक्ट के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं, और कोई भी सब्जेक्ट लिखेंगे तो उसके बीच में आपको स्पेस देना पड़ेगा, इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हिंदी स्पेस देके आपको इंग्लिश कुछ इस तरह से लिखना है। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन से बोर्ड से आपने हाई स्कूल पास आउट किया था, कौन से कॉलेज से किया था, रोल नंबर क्या था, कौन से ईयर में किया था, हिंदी मीडियम से थे, इंग्लिश से थे, आपके नंबर कितने में से कितने आए, परसेंटेज ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा, तो आपको इसे फिलअप करने की आवश्यकता नहीं है। इसी हिसाब से आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इंटर आपने कैसे किया था, और आपका कौन सा बोर्ड था, कौन से कॉलेज का नाम था, रोल नंबर क्या था, ईयर कौन सी थी, हिंदी मीडियम से थे, इंग्लिश से थे, और यहाँ पर आपके जो नंबर आए वो कितने आए हैं, ये आपको यहाँ पर फिलअप कर देने हैं। परसेंटेज ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा, तो इसे फिलअप करने की आपको जरूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, तो यहाँ पर अपना एक फोटो, सिग्नेचर, इंटरमीडिएट की मार्कशीट, यदि आपके पास इंटरमीडिएट की मार्कशीट ओरिजिनल नहीं है तो इंटरनेट वाली यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड अपलोड करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है बेटेज का, यदि आपने कोई ऊपर बेटेज दी है एनसीसी स्काउट एनएसएस तो आप लोग यहाँ पर बेटेज अपलोड कर सकते हैं, अन्यथा इसे छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको इस वाले रजिस्ट्रेशन की जो फीस है वो यहाँ पर ₹200 का फी पेमेंट करना पड़ेगा। तो ₹200 फी पेमेंट करने के लिए ये पूरा फॉर्म कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है सबमिट का, सबमिट पे क्लिक कीजिएगा, लेकिन इस फॉर्म को पूरा कंप्लीट अच्छी तरीके से चेक जरूर कीजिएगा। सारी इंफॉर्मेशन चेक करने के बाद आप इसे सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो रजिस्ट्रेशन है ये यहाँ पर सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुका है, और सक्सेस का मैसेज हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन देखने को मिल रहा है पे रजिस्ट्रेशन फीस, तो हमें इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है अपनी रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट करने के लिए। और अगर आप लोग चाहें तो इस फी पेमेंट को बाद में लास्ट डेट से पहले सबमिट कर सकते हैं, तो बाद में फी पेमेंट करने के लिए आपको यहां से लॉग आउट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि मैं अभी से फी पेमेंट कर रहा हूं तो मैं यहां पर फी पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूं, और क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग सारे ऑप्शन के माध्यम से आप लोग यहां पर फी जमा कर सकते हैं। और फी कंप्लीट करने के बाद आपके सामने इसका फॉर्म का प्रिंट आउट कुछ इस तरह का निकल आएगा, जो कि आपको अपने पास रख लेना है। और इसके बाद आपका जो फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट होने के बाद आपकी जब भी मैरिट लिस्ट आएगी 6 तारीख के बाद, तब आपके पास सूचना मैसेज या फिर ईमेल के माध्यम से आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी इसकी मैरिट लिस्ट कब आएगी, किस प्रकार से आप लोग खुद से चेक कर सकते हैं, इस पे हम आपको कंप्लीट वीडियो ला कर देंगे। तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई वीडियो को लाइक करो, अपने अदर फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो, ये चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करो। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।